गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है? चैप्टर 9 चल रहा है। एक्सरसाइज कौन सी है? 1 सेक्शन बी। सेक्शन बी की हम कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं? 1 एक्सरसाइज कर रहे हैं हम, एक्सरसाइज 1 का सेक्शन बी कर रहे हैं। हमारे 1 to 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। 11th क्वेश्चन क्या है? फाइंड द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। आपको क्या निकालना है? फॉलोइंग डाटा में से मीडियन निकालना है। मीडियन के लिए क्या करोगे? पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे हम सारे ऑब्जर्वेशन को, उसके बाद हम देखेंगे बीच वाला नंबर कौन सा है। पहले किस में लगाओगे आप? असेंडिंग ऑर्डर में लगाओगे, उसके बाद ये चेक करोगे कि बीच वाला नंबर कौन सा है। क्या होगा आपका आंसर? जो बीच वाले दो होंगे, जैसे बीच में दो नंबर है हमारे ए और बी, तो क्या होता है? ए प्लस बी बाय 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि आपको एक फैमिली की इनकम चार्ट दे रखा है, उसमें आपको क्या बताना है? ड्रॉ बार ग्राफ फॉर द फॉलोइंग डाटा। बार ग्राफ बनाना है, आप बना लोगे बार ग्राफ। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है द मार्क्स ऑब्टेन बाय 40 स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th इन एग्जामिनेशन आर गिवन बिलो। 40 स्टूडेंट्स के आपको क्या गिवन है? मार्क्स गिवन है 18, 8, 12, 6, 8 अप टू 100, ये सारे मार्क्स हैं। आपको क्या बनाना है? फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। फ्रीक्वेंसी टेबल बनाओगे, आपको कहाँ से कहाँ तक इंटरवल लेने हैं? 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, कंटिन्यू ऐसे लेने हैं। क्लियर है? 15, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, up to 100, ऐसे आप लेके फ्रीक्वेंसी क्या बनाओगे? टेबल बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है गिवन बिलो ए टेबल शो दैट ए ईयर वाइज स्ट्रेंथ ऑफ ए स्कूल रिप्रेजेंट दिस डाटा इन ए बार ग्राफ। बार ग्राफ में बनाना है आपको। देखो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 14 में बार ग्राफ एक बना लेते हैं। ये मेरा बार ग्राफ, ये होती है एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस आपकी। ये मान लिया मैंने, बोल दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये आपका ईयर, कौन से ईयर में, ठीक है। 0, 100, 100 का गैप ले लेते हैं, या 500 का ले लें। 500, 1000, 1500, 2000, हो गया यहाँ तक। ये कह रहा है फर्स्ट 2000 से 2005 तक कितने स्टूडेंट हैं? 800, मतलब कि ये है 800 स्टूडेंट 2004 और 2005 में। फिर 2005 और 2006 में कितने स्टूडेंट हैं? 975, मतलब 1000 से थोड़ा सा नीचे, 975। फिर नेक्स्ट है आपका 2006 से 2007 में कितने हैं आपके? 1100, मतलब कि 1000 से थोड़ा सा ऊपर। क्लियर है? ये क्या है आपका 1100, बार ग्राफ बन जाएगा ऐसे ही। नेक्स्ट है आपका 2007 से 2008 कितना है? 1400, मतलब कि 1500 से थोड़ा सा नीचे। ये हो गया आपका 1500, है ना। नेक्स्ट आप बना लोगे, दो और बच गए। क्लियर है? ये क्या है आपका? बार ग्राफ है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्या कहता है? द मीन ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन इज 25 इफ वन मोर नंबर इज इंक्लूडेड मीन ऑफ न्यू सेट ऑफ द नंबर बिकम 27। मीन ऑफ द न्यू सेट ऑफ द नंबर्स बिकम्स 27, फाइंड द इंक्लूड नंबर। देखो पहले 7 नंबर थी, उसका मीन क्या था आपका? 25, है ना। मीन क्या होता है? सम ऑफ 7 नंबर बाय में 7 इज इक्वल टू 25। सम क्या हो जाएगा? सम ऑफ 7 नंबर, 7 नंबर का सम क्या हो जाएगा? 25 मल्टीप्लाई में 7 क्या हो जाएगा? 175। एक नंबर और इंक्लूड हो गया, इसका मतलब सम ऑफ 8 नंबर, सम ऑफ 8 नंबर क्या हो जाएगा? 27 मल्टीप्लाई 8, है ना। सेम ये वाला ही पैटर्न यूज़ किया, सम ऑफ 8 नंबर बाई 8 इज इक्वल टू 27। सम ऑफ 8 नंबर क्या हो जाएगा आपका? 27 मल्टीप्लाई में 8 216, है ना। सम क्या हो गया 8 नंबर का? 261 बोल दिया था गलती से, 8 नंबर का सम क्या है? 216। तो वो नंबर क्या है? 8th नंबर ऐड किया है। जो मैंने नंबर क्या किया है? इंक्लूड किया है, वो क्या हो जाएगा? 216 माइनस 175, मतलब क्या नंबर इंक्लूड किया आपने? 41 आपने इंक्लूड किया है। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है आपको, कैलकुलेट द मीन, मीन कैलकुलेट करनी है। ये क्वेश्चन आपका पहले भी आया था ना, एक आस्क यू योरसेल्फ में आया था, सेम वैसा ही है। जैसे हाइट दे रखी है 140 प्लस 140, क्यों? क्योंकि दो स्टूडेंट की हाइट है। फिर 146 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई के थ्रू सिखा देती हूँ। मीन क्या होती है आपकी, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही होती है। सम निकालते हैं पहले, देखो 2 मल्टीप्लाई में 140, क्यों? क्योंकि दो बच्चों का वेट है। फिर 6 मल्टीप्लाई में 142, क्यों? क्योंकि 6 बच्चों का वेट है ये, ठीक है। फिर प्लस में 10 मल्टीप्लाई में 143, फिर प्लस में 15 मल्टीप्लाई में 145, प्लस में 144 मल्टीप्लाई में 148, फिर प्लस में 3 मल्टीप्लाई में 150। कितने स्टूडेंट हैं ये, कितने नंबर की मीन है ये, 40 नंबर्स की मीन है। मल्टीप्लाई करके ऐड कर लोगे ये क्या आ जाएगी, मीन आ जाएगी आपकी इन स्टूडेंट्स की, क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है, मीन मंथली टेम्परेचर ऑफ ए टाउन ऑफ ए ईयर वाज 30 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि 12 महीनों की मीन कितनी है आपकी, 12 मंथ की मीन है आपकी 30 डिग्री सेल्सियस। मतलब सम क्या हो गया किसका, 12 मंथ्स का सम हो गया आपका 30 मल्टीप्लाई में 12, क्यों? क्योंकि मीन क्या होती है आपकी, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम 12 मंथ्स का क्या हो जाएगा, 30 मल्टीप्लाई में 12 मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा आपका, 360, ठीक है। इफ़ द मीन टेम्परेचर फ्रॉम जुलाई, जनवरी टू जुलाई, जनवरी से जुलाई तक का कितना है मीन आपका, 33 डिग्री सेल्सियस। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, मतलब कि 7 मंथ का मीन है आपका, 7 मंथ का मीन क्या है आपका, 33 डिग्री सेल्सियस। सम क्या हो जाएगा 7 मंथ का, मल्टीप्लाई कर दूंगी इसको 7 से, क्या हो जाएगा 33 मल्टीप्लाई में 7, 231 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा 7 मंथ का सम। फिर कह रहा है आपको जुलाई टू दिसंबर, जुलाई टू दिसंबर कितने महीने हैं, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कितने मंथ हो गए, 6 मंथ। 6 मंथ का मीन क्या गिवन है आपको, 28। इसका मतलब सम ऑफ 6 मंथ, सम क्या हो जाएगा 28 मल्टीप्लाई में 6, 28 मल्टीप्लाई 6 क्या हो जाएगा आपका, 168। सम किन का, खाली इन इसका और इसका जब ऐड करेंगे तो सम ऑफ 13 मंथ, 13 मंथ का सम क्या हो जाएगा, 168 प्लस में 331 डिग्री सेल्सियस। ये वाला और ये वाला मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को प्लस कर दिया, तो ये 13 मंथ का आ गया। लेकिन एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12 होते हैं। रिपीट कौन हो रहा है, जुलाई जो है वो रिपीट हो रहा है, जुलाई दो जगह है। इसका मतलब कि जो 12 मंथ का मीन है, सम है 360, और जो मेरा 13 मंथ का आया है 399, इनको माइनस कर दूँ तो क्या आ जाएगा, 39 डिग्री सेल्सियस। मतलब जुलाई का टेम्परेचर कितना था आपका, 39 डिग्री सेल्सियस।